हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे मार्बल केक और वो भी बिना ओवन के। इसके लिए हम लेंगे एक मिक्सर जार और इसमें हम ऐड करेंगे आधा कप शक्कर, क्वार्टर कप तेल, आप कोई भी घरेलू तेल ले सकते हैं जिसमें स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस ना हो, और हाफ कप दही, दही फ्रेश होना चाहिए। और इसे हमें चर्न करना है, तो मिक्सी में हम इसे चला लेंगे और इसे ट्रांसफर करेंगे एक बोल में। अब हम लेंगे एक छलनी और इसमें डालेंगे एक कप मैदा, ऑल पर्पस फ्लावर, एक टीस्पून बेकिंग पाउडर और हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम छान लेंगे। सभी मेजरमेंट्स के लिए मैंने स्टैंडर्ड मेजरिंग कप्स यूज किए हैं। और अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमें मिक्स करना है, ओवर मिक्स नहीं करना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून दूध। दूध को हम थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे। अभी अच्छे से मिक्स हो चुका है। इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून वनीला एसेंस। अब हम आधे बैटर को ट्रांसफर कर देंगे एक दूसरे बोल में। हमें मेक श्योर करना है कि हम एग्जैक्टली आधा बैटर ही ट्रांसफर करें। और इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून कोकोआ पाउडर और इसे भी मिक्स कर देंगे। अब ये बैटर थोड़ा सा थिक हो चुका है, इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून दूध और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब ये कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। हम तैयार करेंगे बेकिंग टिन। हम लेंगे एक बेकिंग टिन और इसमें लगाएंगे बटर पेपर। ये होममेड बटर पेपर है, आप A4 शीट पे दोनों साइड पे तेल लगा दीजिए, आपका बटर पेपर रेडी हो जाएगा। इसे हमें अच्छे से ग्रीस करना है। इसमें हम सबसे पहले डालेंगे ब्राउन बैटर, बैटर जिसमें हमने कोकोआ पाउडर ऐड किया था, ये हम डालेंगे बिल्कुल सेंटर में 2 टेबलस्पून और इसे लाइटली स्प्रेड कर लेंगे। और अब हम डालेंगे 2 टेबलस्पून व्हाइट बैटर और ये इसे भी हमें सेंटर में डालना है। ये काम हमें थोड़ा सा केयरफुली करना है। और फिर से हम डालेंगे ब्राउन बैटर 2 टेबलस्पून और व्हाइट बैटर 2 टेबलस्पून। इसी तरह से प्रोसेस को रिपीट करते हुए हमें अपना पूरा बैटर टिन में ट्रांसफर करना है। हमारा सारा बैटर ट्रांसफर हो चुका है। अब इसमें हम लास्टली डालेंगे ब्राउन बैटर। अब हम लेंगे एक टूथपिक और इसमें ड्रॉ करेंगे लाइंस। सेंटर में आकर हमें इसे रोक देना है और हम टूथपिक को थोड़ा सा साफ कर लेंगे कपड़े से और दूसरी साइड से लाइन ड्रॉ करेंगे।
इस तरह से बहुत अच्छा प्यारा सा डिज़ाइन बन जाएगा हमारे केक में। और अब ये हमारा मार्बल केक का बैटर एकदम रेडी है बेक होने के लिए। आप देख सकते हैं बहुत अच्छा डिज़ाइन बना है बीच में। अब हम तैयार करेंगे ओवन। आप कोई भी भगोना ले सकते हैं और इसमें हम रख देंगे एक वायर स्टैंड। आप चाहें तो कोई भी वेसल ले सकते हैं और इसे हम गर्म होने देंगे 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर। बेसिकली हमें ओवन को प्रीहीट करना है। 3 मिनट बाद हमारा ओवन एकदम रेडी है। इसमें हम रख देंगे हमारा बेकिंग टिन और इसे कवर कर देंगे और मीडियम लो फ्लेम पर हमें इसे बेक होने देना है 35 से 40 मिनट तक। 40 मिनट बाद हम इसे चेक करते हैं। हम लेंगे एक टूथपिक और इसमें इंसर्ट करेंगे। टूथपिक एकदम ड्राई है, इसका मतलब है हमारा केक पक चुका है। अब हम इसे ठंडा होने देंगे और फिर इसे करेंगे डीमोल्ट। केक को ठंडा होने के बाद ही हमें डीमोल्ट करना चाहिए। इसके ऊपर हम रख देंगे एक प्लेट और इसे फ्लिप कर देंगे और ये हमारा मार्बल केक एकदम रेडी है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, मेरे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए और आप भी ये एकदम न्यू डिज़ाइन वाला मार्बल केक ज़रूर ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक कॉमेंट बॉक्स में देना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।